हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज इस क्लास में आप इस पीरियड में आप मैथ के बारे में स्टैटिक्स टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैटिक्स टॉपिक पढ़ेंगे और स्टैटिक्स के अंदर आप समांतर माध पढ़ेंगे। समांतर माध किसे कहते हैं? पहले तो आपको ये आना चाहिए, इसे हम अंग्रेजी कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, समांतर मात्र होता है सभी पदों का योग बट्टे कुल पद की संख्या, सभी पदों का योग बट्टे कुल पद की संख्या। तो देखिए समांतर मात्र क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद जितनी संख्या होती है उनकी काउंट करके उसमें हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा समांतर मात्र निकल आता है। ठीक है, समांतर मात्र का एक फॉर्मूला भी होता है जो आप क्वेश्चन बड़े करते हैं तो फॉर्मूला आपका बनता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, कहीं सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन लिखा जाता है, कहीं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जो एफ होती है वो आपकी बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी, एक्स जो होते हैं वो पदों की संख्या होती है, उन दोनों को क्या करते हैं गुणा कर देते हैं और बारंबारता को जोड़कर उसमें उसका भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समांतर माध निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपका समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य के मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए हुए हैं, उनको समझा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आप समझ लें। उसी तरीके से आपके पास जो भी बुक हो, जो भी बुक हो उससे आप समांतर माध्य क्वेश्चन लगाएं, जितने आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उसी प्रकार आप सवाल अच्छा करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए, उनमें पहला क्वेश्चन है आपका 3534207 10, इनका हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य, क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो देखिए पहला तो आपका दिया हुआ है तो इन्हें हम क्या करना है, योग, समांतर माध्य। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 3534207 10। ठीक है, निकालना क्या है तुम्हें, समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य, समांतर माध्य तो मैंने क्या बताया था, सभी का योग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 5 फिर आपका है 3 4 2 0 7 10, यही है। अब संख्याएं गिनेंगे अपॉन कर देंगे तो कितनी होंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ आपका 8। तो एट का हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब सब को हम जोड़ेंगे तो देखिए 10 और 7 17 17 2 19 19 और 4 23 23 और 3 26 26 और 5 31 31 और 3 34, कितना आपका आया बेटा 34 34 बटे 8। अब हम इसमें 8 का क्या देंगे, इसमें भाग देंगे जो आप भाग देना जानते ही हैं। तो देखिए 8 4 32 क्या बचे आपके, 2 बचे, पॉइंट लगाएंगे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो 8 2 16 अब कितने बचेंगे, 4, फिर 0 उड़ाएंगे कितने हो जाएंगे 40, 8 5 4 कितना आ गया 4.25, ये आपका समांतर माध्य निकल आया। क्या निकल आया, समांतर माध्य आपका निकल आया। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और नोट किया है, उसे भी आपको कराता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर टू दिया है 6 16 39 43 425 248 368। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हुआ, इसमें हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य।
क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या करना है? सभी को ऐड करना है। तो देखिए 60 + 39 + 43 + 120 + 175 + 248 + 368 अपॉन, ठीक है। अब गिनो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है आपकी? 7। तो अपॉन कितनी हो जाएगी आपकी? 7, ठीक। अब आपको ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए 8 8 16 16 5 21 21 और 3 24 24 और 9 33 33 और 6 कितने हुए आपके 39। कैरी कितनी बची आपकी? 3, ठीक। अब देखो 6 और 3 9 9 और 4 13 13 7 20 20 और 2 22 22 और 4 26 26 और 3 29 और 1 30 पे कैरी किसकी बची आपकी? 3। कितनी बची? 3 बची आपकी। तो देखो 3 और 3 6 6 2 8 8 और 4 12 1 13 कितनी आई बेटा आपकी? 13 अपॉन 7। तो आपका जोड़ का 1309 = 7 यही आया। अब आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे आप तो 7 × 7, ठीक। अब कितने बच गए आपके? 7। क्या बच गए यहाँ पर? 13। यहाँ कितने हो गए? 60। कितने हो गए? 7 7 8 56, ठीक। अब कितने बच गए आपके? 4 रह गए। कितने हो गए? 49। 7 7 49 कितना आपका आ गया? 187, ठीक। जोड़ कर लिया, भाग दे दिया, कितना आ गया आपका? 187। आज के बाद एक क्वेश्चन मैंने और नोट किया है अभी, और वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराता। ये तो आपके क्वेश्चन हो गए जब आपके अंदर की संख्याएं दी होती हैं। कभी को कुछ कह देता है, सवाल लिख देता है, तो संख्याएं अपनी तरफ से लिखनी पड़ती है। तो इन्होंने लिख दिया है प्रथम 6 प्राप्त संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 प्राप्त संख्याओं का माध्य ज्ञात क्या कीजिए? तो मैं आपको प्राय संख्या पढ़ा चुका हूं, तो प्राय संख्या आप लोग जानते होंगे। प्राय संख्या उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत 1 से होती है, जिनकी शुरुआत हमारी 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते रहिएगा, ये सब आपकी क्या है? प्राप्त संख्या है। इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो कितनी पूछ रहा है? 6। तो पहली 1 2 3 2 3 4 5 6, ठीक है। और इनका निकालना हमें क्या है? समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो वही आपका नियम है जो अभी तक आपको कराते रहे, समांतर माध्य इक्वल। क्या करेंगे सबको? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 यानी 6 आ रही है। कितना होगा आपका? 6 होगा, क्लियर। अब सबको ऐड करेंगे हम तो 6 5 11 4 sorry 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21 कितना हुआ? 21 / 6, ठीक। 6 का भाग देंगे तो 6 3 18, ठीक। 18 क्या बच गया अब आपके? 3 बच गए। 6 3 18 क्या बच गया आपके? 3। कितने जाएंगे? 36, ठीक है। 6 का भाग कितनी बज जाएगा आपका? 6 बार चला जाएगा, ठीक है। 6 का भाग 21 में देंगे हम तो 6 3 18, ठीक। कितने बचे आपके? 3 बचे, ठीक। और हैं कितने आपके? 31 6 5 30 सॉरी कितने होंगे? 6 5 30, ठीक है। 6 5 30 पे 1 फिर बचेगा,
कितने आएंगे, 10 6 एकम 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.151, ठीक है 3.51। ठीक बेटा, तो देखिए मैंने आपको ये समांतर माध्य के क्वेश्चन कराए, समांतर माध्य की डिटेल आपको समझाई, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आप और भी आगे करें, भी बुक हो उसे क्वेश्चन करें और प्रैक्टिस अच्छी तरीका से कर लें बेटा। थैंक यू बेटा।